喂喂，晓得晓得晓得晓得晓得晓得晓得晓ओए ओए माशाल्लाह, इधर देखें यार कितना क्यूट है यार, माशाल्लाह से इधर चेक करें। ओए 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 माशाल्लाह से इतना गन बनाया हुआ है भाई तुम लोगों ने यार, चुटकी चुटकी तुम क्या करते हो, तुम लोग मुर्गे हो क्या, इतना गन क्यों बना देते हो छत पे। इधर देखो यार पूरा छत इन्होंने गंदा कर रख दिया है, सारा दिन ये बंद रहते हैं अंदर, रैबिट्स डॉग्स यही गंद बनाते हैं सारा दिन, पता नहीं इन्होंने इनको क्या दुश्मनी है हमारे छत से, सारा गंद बना देते हैं। इधर चेक करें, सारा गंद ही गंद बना हुआ है। चलो चलो तुम्हारे को बंद भी करना है अभी और फिर रैबिट को भी खोलना, चलो जाओ सीधे सीधे आराम से प्यार से अंदर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए ये जो है ना माशाल्लाह से हमारे जो है ना व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं और हमारे चैनल पर जो है ना बहुत जल्द इंशाल्लाह आप मुझे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रोथ हो जाए। और जो है ना आज हमने जो है ना अपनी डक्स को भी बाहर निकालना है, गर्मी बहुत है यार मेरे को, आप देख के बता सकते कितना गर्मी लग रही है मुझे, तो बहुत ज़्यादा पसीना है, ऊपर से हमारा पानी का ड्रम भी खाली हो गए, बिल्कुल पानी नहीं बचा, ये दो कैन ही खाली जिनसे हम पानी भरते हैं ये और वो, तो जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपने परिंदों को बाबा पानी डालना पड़ता है। और अभी जो है ना डक्स को खोलते हैं, रैबिट्स और डक्स को, उससे पहले हम अपने उधर दाना पानी रखते हैं ताकि इनको खोलूँ ज़्यादा मज़ा आए। और आज जो है ना मैंने छोटी बहन को बाहर ऊपर बुलाना है फिर से ताकि वो सफाई करे, और वो भी छोटे मोटे उसका भी ब्लॉग डालती है ना, उसका भी चैनल है, और जो है ना वो भी अपने चैनल पर वीडियो डालती है, उसकी वजह से सफाई भी जाती है, उससे मैं सफाई करवा भी देते हैं। यार आज मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, पता नहीं आवाज़ बहुत ख़राब निकल रही है, भारी भारी सोई भी है जो है ना, तो माइंड नहीं करिएगा बहुत ज़्यादा ख़राब है गला, तो जो ना आइए अभी इसको बाहर निकालते हैं जल्दी जल्दी और हम अपना पहले दाना पानी रख देते हैं उधर। चलो जी इनका दाना पानी रेडी है और अभी इनका खोलने का टाइम है, आओ भाई तुम आज़ाद हो, मज़े करो और घूमो फिरो, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी इनको आदत ही पड़ गई दोस्तों माशाल्लाह से बाहर आने की। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे बजीज है ना, ये कभी मैं पिंजरा खोलूँ, कल मैंने उनके टाइम पिंजरा खोला रहा है 5 मिनट तक, तो ये लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकले, इनको उधर से लादत नहीं ना, और अंदर किधर जा रहा है भाई, अंदर नहीं जा, इधर आओ इधर आओ, बाहर निकलो चाहो मज़े करो, इधर घूम रही है, इनको ऊपर भी छोड़ना है, इन ऊपर जाने की तो आदत नहीं, रैबिट्स खुद चले जाते हैं और जो डक्स ऊपर चढ़ाना पड़ते हैं, बड़ी होगी लेकिन ऐसे ऐसे बड़ी होगी लेकिन इन्हें तब अब तरीका नहीं आया ऊपर कैसे चढ़ते हैं। और जो है ना मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊँ यार दोस्तों, जो हमारे बजीज है ना बजीज, ये माशाल्लाह से जो ना इनकी आदत ये अच्छी है कि ये बाहर कभी नहीं निकलते हैं, आदत नहीं नीचे जाने की, और नीचे उड़ते भी नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही उड़ते हैं, दाना पानी खाते हैं बस। तो आप दुआ करें जल्दी जल्दी जो है ना ये अंडे दें, और बहुत मज़ा आएगा जब ये अंडे देंगे, तो जो है ना अभी फिलहाल ये दो अंडे देंगे और बच्चे आएंगे इनके ज़्यादा हो जाएंगे और मैं आपको भी दिखाऊँगा भाई। तो गंदा भी बहुत हो रहा है, इसको देखें इसकी हालत कितनी गंदी हो गई है, पीला पीला हो गया सारा, गंदा हो गया। और दूसरा रैबिट्स वो वहाँ पहुँच गए, डक्स को भी ऊपर चढ़ा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी जल्दी बड़ी हो, और जो है ना जाओ खाओ पियो मज़े करो, बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, ये सबसे छोटी थी ये देखे कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। यार दोस्तों मुझे इनकी एक बात समझ नहीं आई कि जो हमारी डक्स हैं इनके कलर ब्लैक है, ब्लैक वाइट है, ब्राउन है, लेकिन ये नहीं पता इनकी जब जैसे जैसे बड़ी होंगी इनके कलर कैसे चेंज होंगे, कौन से कलर आएंगे। मुझे तो इसका जो लग रहा है ब्राउन होगा, ये जो यहाँ बैठी हुई है इसका ब्राउन होगा, और जो पीछे व्हाइट वाली सबसे छोटी वो व्हाइट ही होगी, उसका भी समझ नहीं आ रही, जो वो ब्लैक वाली उसकी तो मुझे पता ही नहीं, इस पर हल्का हल्का कलर आ रहा है दोस्तों, उसका मैं आपको कलर नज़दीक से बताऊंगा, हल्की हल्की नज़दीक से जो ना डार्क ब्राउन होगी, उसका कलर डार्क ब्राउन होता जा रहा है, ब्लैक था बिल्कुल शुरू में और ब्लैक बिल्कुल साफ हो गया, अभी ब्राउन आ रहा है डार्क डार्क नीचे नीचे परों से उसको, मज़ा अभी आ रहा है यार दोस्तों, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और जो ना साथ में गर्मी भी है, पसीना वगैरह आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का, जो ना मज़ा बहुत आ रहा है। और सफाई भी करनी है, अबू अभी घर पे नहीं है तो जो ना मैं अकेला हूँ, मैं अकेला जो ना काम कर नहीं सकता, व्लॉग भी बनाऊँ सफाई भी करूँ, कितने काम होंगे, तो साथ मेरे कोई बंदा होगा तो वो मेरे साथ मेरी वीडियो बनाएगा मेरी, या तो वो काम करेगा मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, तो जो ना उससे पहले मैं वो बाद में कर लेंगे सफाई, तो जब तक मैं आपको अपने डक्स रैबिट्स दिखा देता हूँ, चुटकी चुटकू माशाल्लाह से सेट है, और हमारी जावा और बेंगलीस तो बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह से सेट है। और दोस्तों जो है ना कल मैंने आपको जा के दिखाया था अपनी जावा के केज के अंदर माशाल्लाह से, कि जो है ना 4 बच्चे थे, और जो है ना कल मैंने देखा था वो माँ उनको, वो जो इस साइड बच्चा बैठा था वो बहुत परेशान थे, शायद उसको फीड कराई नहीं हो, नहीं कराई हो माँ ने, तो अभी चल के फिर देख लेते क्या पता फीड कराई हो या वो बचा हुआ है मरा हुआ है, अल्लाह ना करें, तो इसीलिए चलते हैं जल्दी जल्दी, और अपने बेंगलीस वाले केज में भी आज हमने जाना है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। दोस्तों अंदर आते साथ ही मैंने सबसे पहले चेक करना है इस बॉक्स में, क्योंकि इस बॉक्स में लाजमी है, और देखता हूँ मैं, वो देखिए 3 बच्चे सामने बैठे हुए हैं, वो माशाल्लाह से हैं भी बड़े, और जो जो चौथा है ना वो मुझे जो है ना इधर ही लग रहा है, वो इधर ही लग रहा है मुझे, यहाँ साइड पर जो है ना बैठा हुआ है नज़र मुझे ना, ये ना सामने बैठा हुआ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल छोटा सा सर निकाला हुआ है,
इसका मतलब है शुक्र है कि इसकी जो माँ है इसको फीड करा रही है, नहीं तो कल से अगर फीड नहीं कराती इसकी माँ तो आज तक ये ना बचता पता नहीं है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी माँ इनको फीड करा रही है, मैं पप्पा को बता दूंगा। तो चलें दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, उससे पहले मैं आपको एक एक नज़र दिखा दूँ तो अपनी डोलियों में जो मेन मेन डोली है जिनमें अंडे इसमें चार ही हैं, उसमें तो दो ही आपको पता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिए, और इसमें जो पूरे के पूरे 12 ही हैं वो वाली दूसरे देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। और अभी चलते जल्दी जल्दी बेंगलीस के पिंजरे में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते चले। ओ भाई बैर सही से खाना पीना, कोई चील वील इनको ना ले जाए। ओए ओए दोस्तों मैं अंदर आऊँ और माशाल्लाह से बेंगलीस के बच्चों ने तो सर निकालना शुरू हो गए, इधर देखें यार सब बाहर आए हुए। ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह क्या यार हमारी किस्मत देखें, माशाल्लाह से कितने प्यारे बच्चे बाहर भी आए हुए और इधर दो ही अंडे रह गए, और इधर देखें यार माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े हो गए। हाँ जी कैसे हो कैसे हो, इनके आगे डंडी भी लगाई हुई चाचू ने, ये ना ये दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बाहर आते हैं, और माशाल्लाह से हमारे बच्चे एक्टिव हैं, और एक बच्चे मैं आपको बताता हूँ वो देखें नीचे बैठा हुआ है, ये देखें ये है सबसे छोटा, इसको मैं पकड़ता हूँ, तो ज़्यादा ही छोटा है, देखिए कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है, इसको मैं हाथ में पकड़ के सही करके बिठाता हूँ। ओए ओए माशाल्लाह ये इधर देखें यार कितना क्यूट है यार माशाल्लाह से, इधर चेक करें, ओए 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 माशाल्लाह से यार इधर देखें यार दोस्तों माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, ओए ओए माशाल्लाह कैसे हो ठीक हो, बहुत क्यूट है यार माशाल्लाह से, इधर चेक करें नज़दीक से आप कितना प्यारा लग रहा है, इधर देखें इसे जो ना मैं अभी जल्दी जल्दी नीचे छोड़ देता हूँ, भाई जा आप नीचे जा और जो ना मुझे छोड़ दो, इसके पंजे बहुत सब खतरनाक हैं। और सब तो ठीक हो ना, ओ ओ ओ वो नीचे गिर गया। हाँ भाई तुम सब तो ठीक हो ना, मजे में हो, बस सही, ये लोग ठीक हैं अपना काम करें, और ये जो है ना बीच में बड़ा था तभी ये बाहर निकल आया, और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और बच्चे की जो है ना बाहर निकल आएंगे, मसला नहीं है, इनको सबको ऐसे टांगा हुआ है, और अंदर इधर अंडा इधर दो ही अंडे। तो चलिए दोस्तों अभी हम जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैंने आपको बताने से अपने बेंगलीस के भी बच्चे बता दिए, माशाल्लाह से बड़े हो गए और बाहर आने शुरू हो गए, इंशाल्लाह हम अगले एक दो दिन बाद आएंगे फिर से, चाचू जब नहीं होंगे तो फिर हम आके देखेंगे कितने बच्चे आए। चले चलते हैं अभी बाहर। ओए होए होए इतनी गर्मी यार दोस्तों, क्या है यार बहुत ज़्यादा गर्मी है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा गर्मी भी, और अंदर जाके बहुत ज़्यादा ही गर्मी आ गई थी, डक्स को देखे बाहर आए और इन्होंने आते साथ ही पानी भी गंदा कर दी और फीड तो फौरन ही खा ली इन्होंने माशाल्लाह। दोस्तों एक बार ज़रा मैं भी इधर इस टेबल पे चढ़ता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे सूरज की रोशनी और हवा कैसी लगती है, और आपको भी दिखा देता हूँ साथ साथ, इस जगह पर चढ़ते हैं और आपको भी ज़रा व्यू कराते हैं। ओए होए होए हिल रहा है यार दोस्तों, इधर देखें, मुझे तो पता नहीं है, मैं पता चले ऊपर चढ़ा और नीचे दब जाए टूट ही ना जाए यार, मुझे डर भी लग रहा है, तो जो है ना इस ओए ओए हिल रहा 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 ओए ओए यार दोस्तों मैं तो नहीं चढ़ने वाला भाई, पता चले मैं ऊपर चढ़ूं और नीचे से सारा डब्बा ही टूटा और मुर्गे बेचारे नीचे दब जाए मारे, इसीलिए चढ़ती नहीं है मैं, ऐसी आपको दिखा देता हूँ जरा ब्लॉक पर चढ़ के यहाँ से ना, अरे इधर से यहाँ का व्यू चेक करें, ओए हाय हाय ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आता है यार बड़ा मज़ा आता है इधर खड़ा होकर। मैं आपको ये बताना चाह रहा था जो हमारी ये ब्लैकी है ना, ब्लैकी इसका नाम आज रखते हैं, ब्लैकी इसका नाम मैंने रख दिया है, ब्लैकी डक्स हमारी प्यारी सी छोटी सी ब्लैकी डक्स, इसके मैं आपको कलर चेंज हो रहा है वो बताता हूँ, इधर देखें इसके पर का जो कलर है ना ये देखें करीब से देखें, इसके इसके ऊपर ये देखें ब्राउन ब्राउन कलर आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है इसके ऊपर ब्राउन कलर, तो जो है ना इसके जो ब्लैक कलर था ये उतर रहा है, और जो है ना ब्राउन कलर अभी ये नए कलर ला रही है अपने पर से, जो है माशाल्लाह से बड़ी होती जा रही है, और डक्स भी कलर ला रही है माशाल्लाह, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा, आज के लिए फिलहाल यही दिखानी थी, जाओ घूमो मज़े करो। हाँ जी यार दोस्तों अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ये जो रैबिट्स होते हैं ना यहाँ पे, ये आम कराची वाले जो रैबिट्स होते हैं ना कराची में, ये कराची में बिल्कुल सुस्त होते हैं और ये बिल्कुल भागते नहीं है, जो गांव में रियल रैबिट जो होते हैं ना जिनके पीछे मैंने देखा है रेशे लगवाते हैं रैबिट्सों की, और वो जो रैबिट होते हैं ना गांव के यार दोस्तों वो ऐसे माशाल्लाह से उनका स्टेमिना ऐसा प्यारा होता है, ऐसा भागते हैं इतना तेज, और ये वाले तो वो वाले रैबिट्स हैं नहीं, कराची के रैबिट्स आपको पता है जैसे हम कराची के ये भी कराची के, और इनमें इतना स्टेमिना तो है नहीं जो ये भागे तेज से, और इधर ही एक जगह बैठते खाते पीते और मज़े करते हैं, और गाँव वाले तो माशाल्लाह से भाई गाँव की स्वाद होती है, खाते पीते बहुत अच्छी सेहत होती है। चले दोस्तों मैं उम्मीद है आपको, यार मैं क्या बोलूँ, तो चले दोस्तों मैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार दोस्तों आज जो है
ना मैं अकेला हूँ और कोई मेरे साथ छत पे है नहीं, तो इसीलिए मेरा सुगर लग नहीं रहा जो है ना। अभी अबू भी बहुत लेट आएंगे, तो जो है ना मैंने बोला आपको थोड़ी सी अपनी डक्स और रैबिट दिखा दूँ, साथ में जावा फिंचेस के बच्चे भी आए हुए थे, बंगलीस के भी बच्चे बाहर आ गए थे, तो मैंने बोला चले आपको दिखा दूँ। तो फिर जो है ना आपने देखा, मुझे भी खुशी हुई, आपको भी खुशी होगी। तो जाए प्यारा सा मुझे एक सब्सक्राइब कर दें और प्यारा से कॉमेंट भी कर दें और प्यारा से लाइक कर दें, फोड़ दें सब बटन। तो चले मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, लाज के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।